लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि बस अब से कुछ ही समय बाद यहां पर पहला अर्घ्य दिया जाएगा, घाटे पूरी वर्ती पहुंचेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के शिवाला घाट है यहां पर, और ये जो रास्ता है इस रास्ता के बारे में आज हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता था छठ वर्तियों की नहीं पूरे हसनपुरा नगर पंचायत की जनता के लिए ये कि रास्ता कचरे से कम नहीं था। आपको बता दें कि कूड़े कचरे का अंबार लगता था यहाँ पर, जिसको हम बता दें कि थाना प्रभारी मिहिर कुमार, सीओ उदयन सिंह के प्रयास एवं यहाँ के जो स्थानीय चेयरमैन हैं बेबी गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि महेश गुप्ता, पलक प्रमुख प्रतिनिधि रुमान अहमद और यहाँ के मुस्लिम भाई लोग के योगदान से ये रास्ता बनाया गया है। और अब ये रास्ता बनकर इतना खूबसूरत हो चुका है कि शिवाला घाट अब स्वर्ग जैसा लग रहा है। एक समय नर्क की फीलिंग आ रही थी यहाँ पर, अब चेयरमैन प्रतिनिधि के प्रयास से, उनके सहयोग से, मुस्लिम भाइयों के योगदान से हसनपुरा नगर पंचायत का शिवाला घाट अब इतना जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है कि देखने लायक है। आपको बता दें कि आगे जो तस्वीर हम इस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो छठ घाट के बगल का है, जहां पर मुस्लिम भाइयों ने योगदान देकर इस रास्ते को क्लियर करवाया है। तो हसनपुरा नगर पंचायत की बात करें और हसनपुरा प्रखंड की बात करें तो यहां पर दोनों समुदाय के लोगों ने एक शानदार मिसाल पेश करते हुए, भाईचारे का जो है मिसाल वो पेश करते हुए एक शानदार समाज में मैसेज दिया है कि जो फेस्टिवल है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और जो विकास की गाड़ी है और विकास है, वो विकास कैसे किया जाता है सोसाइटी में, ये संदेश दिया गया है यहाँ पर। और खासकर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन महेश गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि महेश गुप्ता, बेबी गुप्ता के द्वारा जो ये अथक प्रयास की वजह से ये बना है, काबिले तारीफ है, जिसमें काफी योगदान रहा है यहाँ पर दोनों समुदाय के लोगों को और यहाँ के जनप्रतिनिधि समाज सेवियों को, सभी के योगदान से ये रास्ता बनकर तैयार है। तो एक समय ये कूड़े का अंबार लगने वाला रास्ता अब ये खूबसूरत एक पीसीसी के तौर पर देख सकते हैं आप, और छठ घाट के जो आसपास है अब एकदम चमकता हुआ नजर आ रहा है जो रास्ता है। अब यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए काफी यहाँ पर ये है। और आपको बता दें कि हसनपुरा नगर पंचायत के विभिन्न घाटों पर जो नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं महेश गुप्ता, उनके द्वारा डेकोरेट किया जा रहा है, किया गया है। आइए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लड़के मौजूद हैं, वहाँ इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे शिवाला घाट के बारे में। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो सजाया गया है किसके सहयोग से सजाया गया है? अच्छा, चेयरमैन के द्वारा सजाया गया है। कितना चंदा मतलब यहाँ पर मिला है और लोग टोटल पैसा चेयरमैन लगा है? चेयरमैन के मतलब पैसे से जो फंड आया हुआ है छठ घाट के लिए उसे फंड से। क्या नाम हुआ आपका? और आप इस रास्ते से आ रहे थे, कैसा लग रहा है अब? बहुत बढ़िया। जिस तरीके से इस रास्ते को बनाया गया है, पहले ये रास्ता कूड़े से भरा हुआ था, लेकिन अब ये एक शानदार तरीके से मतलब बनकर तैयार हुआ है। चेयरमैन प्रतिनिधि के जो है, प्रतिनिधि का काम बहुत सुंदर चल रहा है। मेरा छठ घाट है, ये बहुत सुंदर हो गया है, पहले से तो बहुत लाभ दिख रहा है, अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? राकेश सर। आप तो छठ घाट आने बहुत बहुत आनंद में बहुत बहुत। राजा खान जी मौजूद हैं जो वार्ड पार्षद हैं, आज छठ व्रत है, क्या कहेंगे? छठ पूजा का पहला दिन आया जाएगा, क्या कहेंगे इस मौके पर? आपके वार्ड में ही ये रास्ता निकला है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, और आज महापर्व छठ पूजा महापर्व है, और यहाँ पे भाईचारे से ही होता है, बहुत सादगी से होता है, बहुत मिलजुल के होता है, जो कि हम सुबह से ही है, आज क्या 10 दिन से हम यहाँ पे काम करा रहे हैं, जो घाट का सफाई या लाइटिंग काम 10 दिन से लगभग करा रहे हैं। क्या कहेंगे जो पहला अर्घ दिलाया गया और इस रास्ते को लेकर क्या कहेंगे? रास्ता तो बन गया है, जो अभी तक आज़ादी के बाद ये पहला ही काम समझ लिया। जो कुछ युवा इधर से जा रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है इस रास्ते से आने जाने में? कैसा बहुत अच्छा लग रहा है इस रास्ते से आने जाने में, इतना साफ सुथरा कभी भी नहीं रहता था। नगर पंचायत चारों सभी घाट को सफाई वफाई कराए हैं, बहुत अच्छा से काम करवाए हैं। इसमें कुछ चंदा भी लोग दिए हैं कि सिर्फ चेयरमैन प्रतिनिधि जो फंड आया उनसे करवाए? सब फंडिंग से है, चेयरमैन के कोई खर्च, कोई चंदा नहीं लिया गया, कोई खर्चा कोई नहीं कर रहा है, सब चेयरमैन ही कर रहे हैं, चेयरमैन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष सोनी। क्या कहेंगे इस रास्ते से जा रहे हैं आप और इस रास्ते पर
जो है पहले काफी कूड़ा रहता था, लेकिन अब मुस्लिम भाइयों के योगदान से और चन्मयर के अथक प्रयास, कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनके और अधिकारियों के अथक प्रयास से रास्ता निकल के सामने आया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है घाट और देखकर अच्छा लग रहा है। दिन पर दिन ऐसे ही मतलब साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज सोनी। तो आपको बता दें कि आज़ादी के बाद ये मतलब आज़ादी से पहले ये रास्ता ऐसा नहीं था, आज़ादी के बाद कहें तो ये रास्ता बनकर तैयार हुआ है चेयरमैन के अथक प्रयास से। एक भाई हैं जो दौरा लेकर आ रहे हैं, अब छठ घाट लोग आने लगे हैं, कैसा लग रहा है अब छठ घाट आने में? बहुत बहुत खुशी की बात है और आनंद में है। छठ का जो त्यौहार है हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये जो पर्व है 3 दिनों का, ये लंबा पर्व है और इसमें जो व्रती जो होती है व्रत करती है अपना, ठीक है। और बहुत ये रास्ता पहले नहीं था, काफी कूड़ा था, लेकिन अब पीसीसी बनवाया गया है। सबसे बड़ा बात है इस रास्ते में पहले इधर कूड़ा कचड़ा लग जाता था, अभी पीसीसी आगे भी रोड नहीं था वहाँ। हाँ, आगे भी पहले वो मिट्टी का बगल है ना, वो है ना सीमेंटेड हो गया, तो जो कि बहुत बढ़िया काम हुआ है ना हमारे चेयरमैन द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार है। देखिए ये अब घाटे जो है लोग आने लगे हैं, एक भाई आ रहे हैं जो कि कंधे पे ऊख लेकर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राजा खान जी मौजूद हैं, आज क्या कहेंगे उन व्रतियों के लिए, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि अपना मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगता है। ये महापर्व है, बस यही है कि हसनपुरा नगर पंचायत की छठी मैया चाहिए आग्रह है कि स्वच्छ और सुंदर बनाए